लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार के ऐलान के मामले में पीछे रही कांग्रेस ने घोषणा पत्र के मुद्दे पर भाजपा से बाजी मार ली है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो के तौर पर न्याय की 5 गारंटियों को सामने रखा है। AICC चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र का ऐलान किया है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है इस घोषणा पत्र की खास बातें और कैसा है कांग्रेस का घोषणा पत्र। तो युवा न्याय के अंदर सबसे पहला वादा है पहली नौकरी पक्की, यानी कि हर शिक्षित युवा को 1,00,000 रुपए की अप्रेंटिसशिप का अधिकार। दूसरा वादा है कि भर्ती भरोसा, यानी कि 30,00,000 सरकारी नौकरियां और सभी खाली पोस्ट कैलेंडर के अनुसार भरी जाएंगी। तीसरा वादा है पेपर लीक से मुक्ति, पेपर लीक रोकने के लिए नए कानून और नीतियां बनाई जाएंगी। चौथा वादा है गिग वर्कर सुरक्षा, यानी कि गिग वर्कर के लिए बेहतर कामकाजी नियम और संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी। पांचवा वादा है युवा रोशनी, यानी कि युवाओं के लिए 5,000 करोड़ रुपए का नया स्टार्टअप फंड भी दिया जाएगा। कांग्रेस के दूसरे न्याय की बात करें तो आता है महिला न्याय, जिसमें महालक्ष्मी योजना की शुरुआत की जाएगी, जिसमें हर गरीब परिवार की एक महिला को हर साल 1,00,000 रुपए दिए जाएंगे। दूसरा वादा है आधी आबादी पूरा हक, यानी कि केंद्र सरकार की नई नौकरियों में 50% महिला आरक्षण दिया जाएगा। तीसरा वादा है शक्ति का सम्मान, आशा, मिड डे मील और आंगनवाड़ी वर्कर्स को ज्यादा सैलरी दी जाएगी। और चौथा वादा है अधिकार मैत्री, यानी कि महिलाओं को कानूनी हक और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने वाली एक अधिकार सहेली हर पंचायत में दी जाएगी। पांचवा वादा है सावित्री बाई फूले हॉस्टल, यानी कि कामकाजी महिलाओं के लिए 2x हॉस्टल दिया जाएगा। तीसरे न्याय की बात करें तो आता है किसान न्याय, जिसमें उनका सबसे पहला वादा है सही दाम, यानी कि MSP की कानूनी गारंटी और वो भी स्वामीनाथन फॉर्मूले के अनुसार। दूसरा वादा है कर्ज मुक्ति, कर्ज माफी प्लान प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए परमानेंट आयोग बनाया जाएगा। तीसरा वादा है बीमा भुगतान का सीधा ट्रांसफर, फसल नुकसान पर 30 दिन के अंदर सीधे खाते में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। चौथा वादा है उचित आयात निर्यात नीति, यानी कि किसानों के सलाह से नई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाई जाएगी। GST मुक्त खेती, किसानी के लिए जरूरी हर चीज में GST हटेगा। चौथे न्याय की बात करें तो आता है श्रमिक न्याय, जिसमें ये वादा किया जाता है कि श्रम का सम्मान किया जाएगा, यानी कि 400 रुपए कम से कम दैनिक मजदूरी मनरेगा में भी दी जाएगी। सबको स्वास्थ्य का अधिकार दिया जाएगा। तीसरा वादा है शहरी रोजगार गारंटी, यानी कि शहरों के लिए भी मनरेगा जैसी नई योजना लाई जाएगी। सामाजिक सुरक्षा, असंगठित मजदूरों के लिए जीवन और दुर्घटना बीमा दिया जाएगा। सुरक्षित रोजगार, मुख्य सरकारी कार्यों में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, मजदूरी बंद हो जाएगी। पांचवा न्याय है हिस्सेदारी न्याय। पहला वादा है गिनती करो, यानी कि सामाजिक और आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति हर वर्ग की गिनती की जाएगी। दूसरा वादा है आरक्षण का हक, संवैधानिक संशोधन द्वारा 50% सीमा हटाकर SC ST OBC को आरक्षण का पूरा हक दिया जाएगा। SC और ST सब प्लान की कानूनी गारंटी, जितनी SC और ST जनसंख्या उतना बजट, यानी उतनी ज्यादा हिस्सेदारी। जल जंगल जमीन का कानूनी हक दिया जाएगा। वन अधिकार कानून वाले पट्टों का 1 साल में फैसला लिया जाएगा। अपनी धरती अपना राज, यानी कि जहां ST सबसे ज्यादा वहां पैसा कानून लागू होगा। तो कांग्रेस के इस घोषणा पत्र को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल खबर बेबाक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।